वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई थी उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग को न्यायालय में पेश ही नहीं किया गया। तो ये चीज़ भी सोचने वाली बात है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग को न्यायालय में क्यों पेश नहीं किया गया। आप और हम सब आजकल जो खबरें हमें मिलती हैं वो सिर्फ मीडिया चैनलों के जरिए मिलती हैं, अखबारों के जरिए मिलती हैं, पर उन सब में जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, देखने को सुनने को मिल रही है, सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है कि बापूजी ने लड़की के साथ कुछ बुरा किया और उस आधार पर उन्हें इस तरह की सज़ा सुनाई गई। पर बापूजी के केस में जो जो पॉइंट्स या सबूत सामने आए उनसे ये सब बिल्कुल साबित ही नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ पर बापूजी की निर्दोषता साफ साफ जाहिर होती है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ, FIR उसने 5 दिन बाद दर्ज कराई, उसकी उम्र जो है बालिग है वो नाबालिग साबित नहीं हुई। तो देखने में आता है कि काफ़ी सारे ऐसे सबूत हैं जिन आधार पर हम कह सकते हैं कि बापूजी एकदम निर्दोष संत हैं, हमेशा समाज की सेवा में कार्यरत रहने वाले एक निर्दोष और एक क्रांतिकारी संत हैं। क्योंकि बापूजी ने काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए जो मुझे नहीं लगता कि आज इस टाइम में किसी संत ने इतने कार्य किए होंगे। बापूजी ने नशा मुक्ति अभियान चलाया, काफ़ियों को नशा मुक्त करा। बापूजी ने नारियों के लिए महिला उत्थान मंडल का निर्माण किया जिसमें नारियों की विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और इसके अलावा गरीबों में अनाज का वितरण, उन्हें ज़रूरी वस्तुओं का वितरण, किसी भी त्यौहार पर उन्हें हर तरह की ज़रूरी उपयोगी चीज़ का वितरण और भी कई सारी ऐसी चीज़ें। और जहाँ तक बापूजी का सत्संग भी हमने कई बार सुना है तो उनके सत्संग में भी हमें जो मिलता है वो यही मिलता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं और सम्मानित बना सकते हैं। तो कहीं से कहीं तक ये चीज़ साबित नहीं हुई है कि बापूजी जो हैं किसी भी तरीके से गलत हैं। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, अभी तक मीडिया चैनल्स में या अखबार में जितनी खबरें आपने सुनी हैं, देखी हैं, उन पर आप भरोसा ना करें। अपने विवेक का भी थोड़ा इस्तेमाल करें और सच को जानने की कोशिश करें।